एतजाज एहसन ने मुस्लिम लीग नून के बारे में होशरुबा इंकशाफात कर दिए। पीपी रहनुमा कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अगर हुई तो शहबाज शरीफ शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि मियां बरादरान हुकूमत को तंग न करने की जमानत दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है कि एपीसी नहीं होगी, अगर हुई भी तो शायद शहबाज शरीफ के बगैर हो। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कोई मायने नहीं रखती क्योंकि मियां बरादरान ने इमरान हुकूमत के इस्तेहकाम की जमानत दे रखी है। एतजाज एहसन का जमानत के हवाले से कहना है कि शरीफ बरादरान ने उन्हें लोगों की जमानत दी हुई है जो इमरान खान को इक्तदार में लेकर आए और जिनके पास शहबाज शरीफ एक वक्त में रात के अंधेरे में बुरका पहन के जाते थे। गुज़िश्ता रोज भी एतजाज एहसन ने अपने एक बयान में मुस्लिम लीग नून को कंफ्यूज जमात करार दिया था। उनका कहना था कि नून लीगी रहनुमा एक दिन हुकूमत गिराने की बात करते हैं और अगले दिन खामोश हो जाते हैं। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ एक साथ बोलते हैं लेकिन एक साथ चुप हो जाते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत गिराने का आसान तरीका बजट की मुखालफत थी लेकिन बजट इजलास में राणा तनवीर जैसे लीगी रुकन नहीं आए। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाता है तो मार्शल लॉ लगता है।